वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों आज मैं आपके लिए फीमेल हेल्थ से रिलेटेड और एक वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों मतलब इस वीडियो में हम महिलाओं की हेल्थ से रिलेटेड एक वीडियो के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में दोस्तों, या सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल के बारे में, या प्रोजेस्टेरोन टेस्ट के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों तो अगर हम प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो हमारे शरीर में जो रोल होता है वो जो होता है कि जो फीमेल के शरीर को गर्भवती होने के लिए तैयार करता है। साथ साथ में ये जो होता है दोस्तों, ये गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हार्मोन होता है। दोस्तों अगर हम इसकी और बात करें तो दोस्तों ये क्या करता है कि गर्भावस्था में जो मांसपेशियों के संकुचन को रोकता है। दोस्तों इसकी वजह से क्या होता है कि दोस्तों की जो जो बेबी होता है वो यूट्रस वॉल से अटैच रहता है, जिस वजह से क्या होता है दोस्तों, गर्भपात नहीं होता है। दोस्तों साथ साथ में दोस्तों ये क्या करता है कि जो फेमेल्स में क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है दोस्तों 28 दिन की होती है दोस्तों, उसको मेंटेन करने में दोस्तों काफी मदद करता है। दोस्तों अगर हम इसकी वैल्यूज की बात करें तो इसकी जो वैल्यूज होती हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है तब इसकी जो होती है वैल्यू होती है 1 ng/ml या उससे कम होती है, और ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर हम बात करें तो उस दौरान जो होती है 5 से 20 ng/ml होती है दोस्तों। और इसका जो लेवल होता है दोस्तों प्रेग्नेंट लेडीज में दोस्तों इसका काफी लेवल बढ़ जाता है, मतलब इसकी अगर हम लेवल की बात करें सो जो पहले 1 ng होता है वो यहाँ पर 11.2 से 90 ng तक हो सकता है। दोस्तों ये इसका लेवल बढ़ा हुआ लेवल ये बताता है कि दोस्तों कि लेडीज प्रेग्नेंट है। दोस्तों ये कुछ एबनॉर्मलिटी की वजह से बढ़ सकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो दोस्तों अगर इसका जो लेवल होता कम होता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जैसे कि उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान दोस्तों ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। साथ साथ में क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान हो सकता है कि बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो जाए, और इसकी वजह से दोस्तों इसका लेवल अगर डिस्टर्ब होता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल का लेवल कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत सारी फीमेल्स में बार बार गर्भपात की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ साथ में दोस्तों गर्भावस्था के दौरान बहुत ज्यादा बहुत हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। और अगर हम इसके हाई लेवल की बात करें तो ये इसका जो हाई लेवल जनरली क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ता है, बट अगर लेडीज प्रेग्नेंट नहीं है और फिर भी इसका लेवल बढ़ रहा है तो इसका मतलब होता है दोस्तों पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है कि ओवरीज में बहुत सारी छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है दोस्तों ये ऐसा हो सकता है, या दोस्तों ओवेरियन कैंसर के केसेस में भी दोस्तों ऐसा हो सकता है। सो दोस्तों इसके जो असंतुलन के कारण क्या होते हैं, इस हार्मोन के असंतुलन के अगर हम कारण की बात करें तो जो सबसे पहला कारण होता है दोस्तों, जो हम डाइट लेते हैं वो बहुत ज्यादा इस पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके की डाइट लेते हैं। दोस्तों साथ साथ में दोस्तों स्ट्रेस लेवल, आपको कितना तनाव है, या आप कुछ और जो दूसरी मेडिसिन ले रही हैं दूसरी बीमारियों के लिए, ये भी इस बात पर डिपेंड करता है और ये भी इसके लेवल को डिस्टर्ब कर सकता है। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें कि कौन सा जो खाना खाना चाहिए दोस्तों, कौन सी नेचुरल डाइट होनी चाहिए इसको के लिए, तो उसके लिए दोस्तों आपको हाई प्रोटीन और लो फैट डाइट लेनी है। दोस्तों हाई प्रोटीन मतलब अंडा दूध दही दोस्तों आप या मछली आपको लेना है, और लो फैट डाइट जैसे चिकन वगैरह वो लेना है। दोस्तों साथ साथ में आप दोस्तों जो ड्राई फ्रूट्स बादाम वगैरह वो भी ले सकते हैं दोस्तों। तो आपको अपनी डाइट जो है ना बैलेंस डाइट लेनी है दोस्तों, और हेल्दी डाइट लेनी है, और हफ्ते में कम से कम 3 घंटे एक्सरसाइज जरूर करनी है। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो डेली आपको आधे घंटे एक्सरसाइज करनी है दोस्तों, इससे भी क्या होगा कि जो आपके हार्मोन लेवल जो होंगे दोस्तों वो बैलेंस रहेंगे। साथ साथ में आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो खाने से बचना चाहिए, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं दोस्तों उनको अवॉइड करना चाहिए, ये पैक्ड फूड, इसमें जो होने वाले केमिकल की वजह से दोस्तों आपकी ओवरीज पर असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन लेवल भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। साथ साथ में आपको बहुत ज्यादा हेल्दी डाइट ऐसी नहीं लेनी है कि जिसमें कि बहुत ज्यादा फैट हो, या आपको एल्कोहल और जो कैफीन युक्त प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों उनका कम मात्रा में सेवन करना है दोस्तों। सो दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी हो सो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें, तथा तो बेल आइकॉन दबाएं जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।